बरकत को हासिल कर, रहम कर और बरकत दे।
यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आए मिलकर यीशु के नाम को बुलाएंगे, ऊंचा करेंगे, सिर बुलंद करेंगे। जब तेरा बंदा कलाम की सच्चाइयां ध्यान करता है,
तो तेरे लोग बंद कर पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र गुजार हूं कि आप सब खुदावन के हुजूर में मौजूद हैं। वो जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आप सबके भी के लिए भी मैं सलामती चाहता हूं और आप सबका भी शुक्र गुजार हूं कि इस इबादत में आप हमारे साथ शरीक हैं। और मेरे दिल से ये दुआ है, ये मेरी दिल से दुआ है कि आप सब खुदावन के हुजूर में सलामत हों, खुशी पाएं, शांति पाएं और इस इबादत में जो आप हमारे साथ शरीक हैं सब कसरत की बरकत को हासिल करें। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा लातब्दील और लाखुदा कलाम है। इसकी सच्चाइयां हम सबों के लिए नहायत अमीक हैं। इसकी सच्चाइयां हम सबों के लिए नहायत ग्रांकदर हैं और इसकी वो बातें जो हमारे लिए हमारी जिंदगियों के लिए हैं, हमारी असलाह करती हैं, नसीहत करती हैं, तरबियत करती हैं और हमें जीने का ढंग सिखाती हैं। जब कभी हम मुश्किल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं तो भी ये हमारी रहनुमाई करती है कि हमें किस तरह से इस मुश्किल से, इस आजमाइश से, दुख में से निकलना है। आज पूरी दुनिया में एक बड़ी मुसीबत है। आज इस दुनिया में एक वबा जोर पकड़ गई है। इस वबा ने बड़े बड़े बादशाहों को, बड़ी बड़ी हुकूमतों को नीचा दिखाया है। इस वबा ने गरीब आदमी पर भी बड़ा असर दिखाया है। इस वबा में ईमानदारों को ये समझने की जरूरत है कि वो भी खुदा की तरफ रजू लाए। आज जो खास ख्याल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो मैसेज, जो पैगाम, जो नसीहत, तरबियत की बात मैं सबके साथ करने को हूं, वो ये है कि हमें अपने खुदा यीशु को पहचानना है। इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख के और आजमाइश के मौका पर हमें अपने आप को जानना है। अक्सर ये होता है ईमानदार लोग ये समझते हैं कि ये मुसीबतें, ये आजमाइशें शायद दूसरे को लोगों के लिए है। ये अच्छा है, खुदा का कलाम है कि वो अपने लोगों को संभालता है, लेकिन जब बारिश उसकी होती है तो नेकोबदों पर होती है और जब कोई मुसीबत आती है तो ये भी एक वबा है, ये सबको पकड़ सकती है। इसमें हमें संभलने की जरूरत है और मसीह पर ईमान में और मजबूत होने की जरूरत है। और मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन वो जो ईमानदार है खुदा उनको संभालने की कुदरत रखता है और हमेशा उन्हें संभालता है। मत्ती की इंजील के हवाले से इस बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा उनके जिंदा कलाम में से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाकलाम का यह हिस्सा जो तलावत हुआ है, मसीही दुनिया में मसीही ईमान के लोग इसे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं।
और ये हिस्सा जो है वो मुकद्दसा मरियम की बाबत है कि उसके बेटा होगा, और ये सबको मालूम होना चाहिए कि वो बेटा जो मुकद्दसा मरियम से कुमारी से पैदा हुआ वो रूह कुदरत की कुदरत से हुआ, और खुदा ही है जो उसका नाम रखने वाला है। आसमान से ये आवाज है, आसमानी ये पैगाम है कि जो बेटा होगा उसका नाम यीशु रखा जाए, और साथ इस बात को भी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यीशु रखने के का मकसद क्या है, नाम यीशु रखने के मायने क्या है। वो जो यीशु पैदा होगा, जो यीशु दुनिया में आएगा, पैगाम दिया जा रहा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, यानी वो निजात दहिंदा है। लफ्ज निजात इसके मायने है छुटकारा, इसके मायने है खलासी, इसके मायने है आजादी, इसके मायने है रहाई। वो यीशु जो कुमारी मरियम से पैदा होगा, पैगाम मिल रहा है कि वो निजात दहिंदा होगा। हर वो शख्स जो किसी मुसीबत में फंस जाए, किसी वबा की जद में आ जाए, जो वबा दुनिया को तबाह कर रही हो, वो उसको उससे चढ़ाने की कुदरत रखता है यीशु मसीह। हर तरह की गुनाहों से चढ़ाने की कुदरत रखता, और यीशु मसीह हर उस अबलीसी हमला से जिसके सबब से लोग मुसीबत उठाते हैं, जैसा कि आप सब अंजील के मानने वाले और अंजील को समझने और उसको पढ़ने वाले हैं कि कई बयान हमें अनछेद में नजर आते हैं, जिसमें से एक मैं आपके सामने रखा चाहता हूं कि एक बच्चा है, उसका बाप उसे लेकर आया है, लेकिन उस बदरू को निकाल नहीं सके, और यीशु मसीह के पास जब वो उसे लेकर आए हैं तो बदरू ने उस बच्चे को मरोड़ कर रख दिया है, उसको सख्त नुकसान दिया है, उसकी बॉडी को, उसके बदन को, और यीशु मसीह ने उसको उसी वक्त उस हालत से रहाई बख्शी है। वो जो बदरुहों के सबब से दुख उठा रहे उनसे रहाई। एक औरत है, कुपड़ी हो गई है, बदरुहों ने उसे कुपड़ा कर दिया है, मेरे यीशु ने उसे भी रहाई दी है और वो सीधी हो गई है। यानी हर तरह की मुश्किल से रहाई यीशु नाम में है, वो ही उनके लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, उनकी तमाम तर मुश्किलों से निजात और रहाई देगा। अगर वो अब्लीस के हाथों दुख उठा रहा है उसको रहाई देगा, और जो लोग मजहबी लोगों के सबब से दुख उठा रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि एक औरत एनफील पर पकड़ी गई है, और जब वो पकड़ी जाती है, जब वो जो है पकड़ी जाती है तो उसको उसकी सजा जो है वो शरीयत के मुताबिक काहिनों की तरफ से लागू हो चुकी है, और उसे संसार किया जाना है, संसार करने का सारा इंतजाम हो चुका है, और वो जब उस हालत में है, अब से कोई
छुड़ाने वाला बचाने वाला नजर नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह वहाँ आ मौजूद होते हैं, उसको उस हालत से रहाई दे देते हैं, उस मुसीबत से रहाई दे देते हैं, जिससे इंसानी अकल ये बताती है कि कोई उसे छुड़ा नहीं सकता, लेकिन मेरा यीशु उसे छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका नाम ही नजात दहिंदा है, क्योंकि वो नजात दहिंदा है, को वो बचाने छुड़ाने और आजाद करने की कुदरत रखता है। इसलिए उसके सामने कोई मुसीबत नहीं ठहर सकती। हम यीशु मसीह की जिंदगी पर अनाजील में गौर गौस कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों को रहाई दी। एक मौका है, 5,000 लोग हैं, भूखे हैं, कितने दिनों से यीशु मसीह के साथ साथ हैं, और यीशु मसीह ने उनकी भूख को मिटा दिया है। अगर कोई इस वबा के सबब से भूख की हालत में निकल गया है, अगर कोई शख्स इस वबा की वजह से किसी ऐसी हालत में निकला है कि उसका बिजनेस जाता रहा है, तो ना घबराएं, मेरा यीशु आपको खाना देने की कुदरत रखता है। और उसका कलाम हमें सिखाता है, शेरे बबर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा दालक मुझ पर ईमान रखने वाला, मुझ पर ईमान रखने वाला हरगज भूखा नहीं रहेगा। और मैंने ये देखा है इन दिनों में बहुत सारे लोगों को इसी तरह से खुदा ने मुहैया किया है और कर रहा है, और अगले दिनों में भी करता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसान है, और वो निजात दहिंदा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, और रसूल अमाल की किताब में बड़ा वाज़े इस बात को बयान करते हैं, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से वो निजात पाए। ये हतमी बात है, और ये प्रभु के साथ बात है। जब खुदा का खादिम ये बात कहता है, खुदा का रसूल ये बात करता है, तो वो बड़े ईमान के साथ और हतमी फैसला दे देता है कि अगर किसी को नजात की जरूरत है, रहाई चाहता है, मखलसी चाहता है, आजादी चाहता है, बचना चाहता है, तो उसे यीशु नाम की जरूरत है और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से हम निजात पाए। आप सब जो ईमानदार हैं, आप सब जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हम जिस खुदावन पर भरोसा करते हैं वही दुनिया की अमीत है। जहां की अमीत एक नाम से बंदी है, कोरोना से रहाई की उम्मीद एक नाम से बंधी हुई है, कोरोना से आजादी की उम्मीद एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु नाम। अगर उसके लोग पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल से गिलों को, शिकवों को, रंजिश को खत्म करें और खुदा पर ईमान लाते हुए अपने मसीह की हजूरी में आए, कोरोना ना फक्त हमारे मुल्क से निकल जाएगा बल्कि दुनिया में से दूर हो जाएगा, और इसकी आजादी यीशु नाम से है। लेकिन इसके लिए हमें इस बात पर गौर करनी होगी। कई दफा हम ईमानदार लोग अपने ईमान पर फख्र
अपनी रूहानियत पर फख्र कर रहे होते हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाते। लूका की इंजील का एक वाक्या मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं, और अगर आप इसको पीछे से पढ़कर देखें तो ये शागिर्दों के साथ बात हो रही है। 13वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं और 12वें बाब की 22वीं आयत से शागिर्दों के साथ गुफ्तगु चल रही है और ये गुफ्तगु बढ़ती जा रही है, और 13वें बाब की पहली आयत से मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस वक्त बहुत लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके जबीहों के साथ मलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया क्या वो इसलिए तमारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। और एक और तमसील, या क्या वो 18 आदमी जो जिन पर शलूह का पुर गिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिश में यरूशलेम और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये हिस्सा जो है इसको आप बाद में बाप से पढ़कर आए तो ये सूची अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम है और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। और उसके बाद 13वें बाब में कुछ गलीलियों का जिक्र है जिनको पिलातुस ने मार दिया है, और ईमानदारों का यह ख्याल है कि ये ज्यादा गुनाहगार थे इसलिए इन पर ये अजाब आया। जो आज के दौर में भी बहुत सारे ईमानदार यही समझते हैं कि ये गुनावा दे सबाब पे। आप समझते हैं कि किन की तरफ इशारा है? दुनिया की तरफ इशारा है, यूरोप की तरफ इशारा हो रहा है, अमेरिका की तरफ इशारा किया जा रहा है, ऐसे ममालिक जहां जो है वो खास तौर पर मैंने इन दिनों ईमानदारों को ये कहते सुना के जी इन्होंने वेखो की कीता से मर्द मर्द ना शादी कर ले, हो जे कई तरह की जो बदियां या ऐसे कानून ऐसे ममालिक में मगरबी ममालिक में पास हुए उनके सबब से ये मुसीबत आई है और आप अपनी ही नगर पर चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं। और गलीलियों के साथ गलीलियों पर इसीलिए मुसीबत आई है, इसीलिए ऐसे नहीं मरे ने। फिर यीशु मसीह ने एक और उनको तफसील दी कि शलूह के पुर के नीचे लोग जो उन पर गिर गया दब गए मर गए हैं, ये इसलिए नहीं कि तुसी बड़े ईमानदार से बच गए हो। बड़ा वाज़े है इन दोनों तमसील में या इन दोनों वाक्यों में, तमसील भी नहीं हकीकत बयान की जा रही है। ये इनमें हमें जो मसीहा बात कर रहे शागिर्दों के साथ उनको बताते हैं कि ये इसलिए नहीं कि तुसी बच गए उस लोग दे पुरुष दे थलो के तुसी बड़े ईमानदार। कई दफा अल्लाह और वाक्या कुछ हादसात की का शिकार होते हैं या किसी भी अलाही गजब का भी लोग शिकार हो सकते हैं, लेकिन उस हालत में हम जो ईमानदार हैं या अपने आप को ईमानदार समझते हैं, हम जो बचे हुए हैं, हम जो अपने आप को समझते हैं नहीं वे लो असी तो बचे हुए थे, हाँ जी बाद साहब मैं तो सारा दिन फिरता जे मास्क तो बगैर फिरना फिर नहीं चंगा भला हाँ जी। कई दफा ईमानदार फख्र कर रहे, लेकिन यीशु मसीह ने दोनों वाक्यों को धराते हुए
साथ ये कहा कि उनको बुरज का गिर जाना ये इस तरह से ना लो, तुम्हें भी तौबा की जरूरत है। किन से बात की जा रही है? शगिर्दों से, शगिर्दों से, ईमानदारों से, ऐसे लोगों से जो मसीहा की रफाकत में है और चुने हुए चनीता लोग, उनको दो बार ये कहा जा रहा है कानून तौबा की जरूरत है, कानूनी तौबा की जरूरत है। ईमानदार कई दफा समझते असी तो बड़े तौबा कर देते, असी तो भाई प्रभा ने साढ़े घर पादरी विजिट करता, फलाना भी साढ़े घर से सारे पादरी आते हैं। कई दफा हम ये समझ रहे होते हैं अपने आप को ईमानदार समझ रहे होते, इसलिए समझते हैं कि हमें तौबा की जरूरत नहीं। हर ईमानदार को तौबा की जरूरत है, क्योंकि कई दफा हम बड़े गुनाह की तरफ तो नहीं निकलते, चोरी नहीं करते, जनाकारी नहीं करते, या हम किसी का हक नहीं मारते, लेकिन हसद करते हैं हम बेचा जो है कई बातों को ऐसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं और ईमानदारों पर तनकीद करते हैं। गुजरे दिनों में मुझे जो है मौका मिला किसी से बात करते, दो लोग बात कर रहे थे, मैं करीब से गुजर रहा था तो बात सुनी तो मैं एकदम चुकन्ना हो गया। मैं क्या क्या बात कर रहे, पास्टर के हवाले से बात हो रही थी और मैंने कहा कि तुम्हें समझने की जरूरत है, बगैर तस्दीक के बातों को बढ़ाते हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी बड़ी लानत आकर ठहरती है खुदा के लिए। तुम ऐसा ऐसा सोचते हो, इस तरह से बातें करते हो और खुश होते हो कि ये ऐसा हुआ। मैंने उसी टाइम अपना फोन मिलाया जिस खादिम के बाबत बात हो रही थी, वाकया कोई भी नहीं था। कई दफा हम ये भी समझते कि ये गुनाह है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे गुनाह हम करते हैं, खादमों के खिलाफ बोलते हैं, खादमों के खिलाफ हम सोचते हैं, और खादमा ने अपनी कब्र च पैना है ते अपनी सजा पानी है, ताकि सजा नहीं पानी, और ना ही तुम्हें खादमों पर मकरर किया गया है कि तुम उनके जज बनो, मकरर किया गया है। अदालत खुदा की है और उसने खादमों को भी निचोड़ना, मैं ईमान रखता हूं, उन्होंने पहन दो अपने दे ना लो। तो मैं असल में ये बातें इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि यहां ईमानदारों की बात हो रही है और उनको कहा जा रहा है तौबा करो। अगर हम इस तरह की हालत में हैं तो हमें तौबा की हाजत है, हमें तौबा की हाजत है, अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत है। और मैं ये बताता हूं आप सब जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, आपको भी ये कहूंगा सच्ची तौबा करो। अगर आप ईमानदार हैं, आप समझते हैं हमें तौबा की जरूरत नहीं, तो कम अज कम हसरत की ने दफिर के और ऐसी बातें जो खात्मों के खिलाफ की हैं उनका इकरार करके तौबा करो। वो वाली वटी नहीं करो, ऐ वाली कर लो और दुआ करो, देखना करो ना हमारे मुल्क को छोड़ देगा और ना फक्त हमारा मुल्क रहाई पा जाएगा बल्कि दुनिया रहाई पा जाएगी। कोरोना उनको वो कि अगर इस मैसेज को आप सुनकर इस पर अमल करें तो आखिरी सामा देंगे कोरोना, सच्ची बात है। हाँ, बस इसको ऐसा झटका दे ईमान में सच्ची तौबा के बाद कि उसका दुनिया में कायम रहना जो है वो खत्म हो जाए, और ये यीशु के नाम से हो सकता है। और बाइबल हमें बताती है, अंजील हमें सिखाती है कि उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को रहाई देगा। आप रहाई पाना चाहते हैं, आप आजादी पाना चाहते, छुटकारा पाना चाहते, बच जाना चाहते हैं, बच जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये वबा इस दुनिया से दूर हो जाए, इससे रहाई मिल जाए, तो फिर यीशु नाम के सवा और कोई चारा नहीं, क्योंकि दुनिया में किसी के लिए निजात के लिए कोई और राह नहीं है, और वो राह
सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु पर ईमान लाए, बेशक आप ईमानदार हैं, शुक्रगुजारी है, लेकिन इस तरह से ईमान लाए कि फख्र करने वाले ना बने, बल्कि अपनी आज हम अदालत करें। किसकी? कदी अपनी भी कर ले बंदा की क्या, लेकिन कदी की मैंने तो इंजील च बार बार पढ़न च मिलता है, मैंने बारहा देखा है, बल्कि पातशाह के मौके पर भी यही सिखाया जाता है कि अपनी पड़ताल कर फिर ले, हर बार यही, हमें अपनी जांच करनी होगी। मेहरबानी से अगर हम ये समझे, जितने आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम छुटकारे के लिए काफी हैं। इतने ही लोग ईमान में मजबूत हो जाए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, और हाजिर जमात जो जन लोग हैं, ये सब ईमान ले आए, तो फिर मेरा ख्याल कोरोना दिया आज फिर खैर नहीं है। खैर होगी? कोई खैर नहीं है उसकी, कोई उसकी जगह नहीं है यीशु नाम के सामने। आए हम अपने सर खुदा की हुजूरी में झुकाएं, दुआ मांगी, क्वायर अपनी पोजीशन ले और हम एक गीत गाएंगे, आ यीशु नासरी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ईमान के साथ, हालेलुया, पूरे दिल के साथ हम खुदा की स्टाइश और उसकी तारीफ करेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, था 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 ओ राधा राधा गशु ते 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 रिया पापो लो 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 ओ रिश्यं दो तो लो लो कशी ये सुना सुई को पुकारे वो ही दवाई देगा, लेकिन इससे पहले सच्ची तौबा करे, ईमानदारों को तौबा की हाजत है, ईमानदारों को तौबा की जरूरत है। हर शख्स अपनी पूरी रमशों से फिरे, यही पूरी रमशों से फिरेंगे, खुदा की कुदरत को हासिल करेंगे। आज फिर मैं नैनवा शहर की बात करूंगा, वो लोग नैनवा के लोगों ने जब अपनी पूरी रमशों को छोड़ा, तो खुदा के जलाल को हासिल कर दिया, रहाई पा ली उस शहर ने। मैं और आप भी, हमारा मुल्क भी आजाद हो जाएगा। हालेलुया। Yeah.
दुनिया में से दूर हो, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।